भी थे और लकी अली के साथ, लकी अली खुद भी एक बड़े आइकॉनिक एक पर्सनालिटी हैं, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी ब्रिलियंट, मतलब ही इज अनदर, मतलब ऐसा लगता है लकी अली को देख करके बहुत ही सीरियस आदमी है, लेकिन बहुत मस्ती करते थे सेट पे, बहुत जोक्स करते थे। और जैसे वो, मतलब मेरा एक इंसिडेंस मेरे दिमाग में बैठ गया, वो स्पॉट बॉय और जो हमारे यूनिट वाले थे ना, जो बिहाइंड द सीन्स काम करते थे, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। मतलब उनको बुलाकर उनको पानी पिलाते थे, उनको चाय पिलाते थे। ये बैंकॉक की बात कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ वी वर शूटिंग, आउटडोर की शूटिंग बहुत हेक्टिक होती है, तो एक्टर्स को और स्टार्स को पूरी ट्रीटमेंट मिल जाती है, खाना पीना वगैरह। लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, वो कभी कुछ बोल नहीं पाते। तो यही चीज लकी अली ने की। मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि रुका कर पूछा कि आई ओके, एक स्पॉट बॉय को जबरदस्ती बोला मेरे सामने चाय पियो। तो मुझे नौशीन, लगा दैट्स वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, वेरी नाइस। हम पूछे जैसे लकी अली सर, आपको आपको याद आया कोई एक इंसिडेंट याद आया, इरफान खान के साथ भी कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है आपको, मतलब शूटिंग के दौरान वहां उतने वक्त साथ में गुजार सबने, यूनिट ने पूरी? इरफान जी वॉज वेरी, ही इज नॉट वेरी, कैसे बोलूँ, जैसे वो स्क्रीन पे दिखते हैं ना, वैसे रियल लाइफ में भी है। कम बोलते हैं, कम कुछ करते हैं, मतलब आते हैं सेट पर, स्माइल करते हैं, सबको हेलो करेंगे, सीन करेंगे, फिर वही वही खड़े। ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने स्टार्स के साथ भी काम किया है, मैंने देखा है टैंड्रम्स जो थ्रो करते हैं, नो टैंड्रम्स एट ऑल, वेरी इजी। आई थिंक एवरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लव हिम। हाँ, तो ऐसे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, सीन्स के बीच लाइंस करते वक्त नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई ऐसा नहीं है कि तुमने ये क्यों बोला या ये क्यों नहीं बोला, ऐसे बोलो, बिकॉज आई हैव फेस दैट ऑल्सो विथ लॉट ऑफ स्टार्स, दे डू दैट, कि उनको लाइमलाइट कैप्चर करना होता है, लेकिन उनको ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ही सोली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्क्रिप्ट, एंड दैट्स वाई ही वॉज अ सुपर स्टार। एक्चुअली इरफान जो है वो ऐसे ही थे, और इसी जी तरह अपने दर्शकों की तरफ से आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सीरियल से आपने मतलब नाता तोड़ लिया है, या आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही सिर्फ फिल्मों में? ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ गायब हो गई है, तो मेरा तो यही जवाब है। मैं सॉरी, मैं चीजें मैनिपुलेट करके नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये एक तो पैंडेमिक की वजह से काफी नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को। दूसरा, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से फोर्थ लेवल पे जाते हो, राइट? सालों साल ये राइट, आपकी ग्रोथ होती है एज अ ह्यूमन बींग। सिमिलरली, एक्टर मॉडल बनता है, फिर एक्टर बनता है, फिर टीवी एक्टर बनता है, फिर फिल्म एक्टर बनता है, उसकी ग्रोथ होती है। अब मैंने भी अपनी मेहनत की अपने यंग डेज में, और मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट सक्सेस। तो एक सक्सेसफुल इंसान एक पर्टिकुलर, मतलब हम पर डे चार्ज करते हैं या फीस चार्ज करते हैं, तो ये इंडस्ट्री में इसलिए इतने सारे स्टार्स और एक्टर्स आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसी इसी की वजह से कि बजट्स हैव बीन सो बैडली क्रैश, कि कभी कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, आई थिंक मैं एक्टिंग ही छोड़ दूँ, क्योंकि ये इंसल्ट लगता है मुझे कि आप चाहते हो एक स्टार भी हो, एक अच्छा एक्टर भी आया है, लेकिन कम पैसे में काम करे। और मुझे इसमें लॉजिक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पैंडेमिक में सबसे ज्यादा लोग टीवी ही देख रहे हैं, राइट, तो ये तो कह नहीं सकते कि टीआरपी गिर गई है, टीआरपी तो बढ़ गई है। काम कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, ये क्या डिक्लेरेशन हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोल रहे हैं बजट कम है, बजट कम। इसकी वजह से सारे एक्टर्स को यही तकलीफ हो रही है, और मैं ऐसी इंसान हूं ना, मैं मुझे अगर रिस्पेक्ट या एक प्लेटफॉर्म सही नहीं लगे ना, आई विल नॉट डू इट। मैं वेट करूंगी, लेकिन आई विल ओनली डू अ शो।